मतलब ठंडा हो चुका है क्योंकि ये जो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो चीज है ना सिक्स फिंगर, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। गेट बंद हो गया, अरे गेट बंद हो गया जी। क्या हाल चाल है आप सभी की। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22301 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 6 दिन चलती है वेनेसडे को छोड़कर। अगर मैं ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 से सुबह 5:55 पे निकलती है और आपको सेम डे दोपहर 1:25 पे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। इस ट्रेन में आज हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है ईवन कोच में। गेट बंद हो गया, अरे गेट बंद हो गया। कोई उतरने वाला कोई है? नहीं खुलेगा सर, नहीं खुलेगा। तो भाई अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। और भाई ये गलती आप नहीं कीजिएगा। देखिए ये अंदर आके फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, इतने में गेट लॉक हो गया और यहीं रह गई। तो भाई ट्रेन निकलते ही सबसे पहले आपको ये पानी का बोतल दिया जाएगा, 1 लीटर का ये। तो भाई पानी के बाद ये मैंगो ड्रिंक दिया गया है, पानी, मैंगो ड्रिंक, उसके बाद दिया गया है ये न्यूज़पेपर सभी पैसेंजर को, संडे टाइम्स। तो अगर आप इस ट्रेन में इसी कोच में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है वो सारा चीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपके सीट के जस्ट ऊपर टच लाइट आपको देखने को मिलेगा, और आपके सीट के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन दिख रहा है, जब कोई इसे प्रेस कीजिएगा तो आपका सीट पीछे चला जाएगा और आप आराम से लेट के जर्नी कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है और सबसे बड़ी बात की अगर आप इसी में ट्रैवल करते हैं तो लेग स्पेस जो है ना वो काफ़ी आपको देखने को मिल जाता है सीसी के अकॉर्डिंग। नॉर्मल कोच जो इसमें लगी हुई दूसरा सीसी कोच, उसके अकॉर्डिंग लेग स्पेस इसी कोच में आपको अधिक देखने को मिलता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा अगर आप इस कोच में अगर ट्रैवल करते हैं तो। साथ ही देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको आर्म रेस्ट के पास आपको देखने को मिलेगा स्नैक टेबल, इसे आपको इसे ऐसे ओपन करना है, ये रहा अपना टेबल जिस पे आप ब्रेकफास्ट डिनर लंच वगैरह आप कर सकते हैं, लैपटॉप से काम भी कर सकते हैं, और काम हो जाए खा पी ले इसे आप जस्ट ऐसे कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ चार्जिंग पोर्ट कहाँ दिया गया, ये देखिए ये रहा चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे यूएसबी केबल वगैरह आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आईफोन वगैरह चार्ज करने के लिए भी यहाँ दिया गया, उसका केबल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। ये दो दिया गया है दोनों सीट के लिए, एक एक, ये सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फुट रेस्ट, आपके सीट के जस्ट सामने आप फुट रेस्ट देखने को मिलेगा, ये देखिए इसे ऑपरेट कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक लीवर देखने को मिलेगा, इसे आपको प्रेस करना है, इसे प्रेस कीजिएगा, ये हो गया लॉक, ठीक है। इस पर अपना पैर रखिए ऐसे, फिर इसे अगर ऊपर करना है तो यहाँ पे लीवर दिया गया, इसे आप इसे लगाइए, ये हो जाएगा ऊपर। और उसके जस्ट ऊपर दिया गया ये मैगजीन सॉकेट, वहाँ का मैगजीन रख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा होल्डर दिया गया है जहाँ पे आप कैरी बैग वगैरह होल्ड कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो मेरा ये टोपी होल्डर यहाँ पर। तो यही है इसी कोच का इंटीरियर। और हाँ लगेज स्पेस दिखा देते, ऊपर देखिए लगेज स्पेस। वही टाइम हो रहा है 6:47 और आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और कोच के जस्ट बाहर में आपको देखने को मिलेगा हॉट केस, ये ऊपर में हॉट केस रखा हुआ है, और देखिए इसी ट्रे में हम लोग को ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व किया जाएगा। और नीचे में आप देख सकते हैं बोतल कूलर है, डीप फ्रीजर है, ये कोच के जस्ट बगल में ही है, ये हो गया मिनी पेंट्री। और ये रहा सीसी कोच, और सीसी कोच का इंटीरियर बिल्कुल सेम ही है, हर फीचर आपको देखने को मिलेगा, बस वही है कि लेग स्पेस थोड़ा इसमें कम होता है, और सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है ना सीसी कोच में 3x2 का होता है। तो भाई ये है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के क्लीनिंग स्टाफ, इनका ड्रेस कोड देखिए ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस क्लीनिंग स्टाफ, सही है ड्रेस कोड इनका। अभी टाइम हो रहा है 7:08 और देखिए अभी मॉर्निंग टी वगैरह आ चुका है, इसमें आपको देखिए मिलेगा ये यूनिबिक का बिस्किट, इंस्टेंट प्रीमिक्स टी, साथ ही ये गर्म पानी दिया गया चाय बनाने के लिए, और ये देखिए ये दिया गया वेट वाइप्स और हैंड सैनिटाइज़र। कोविड का भाई सीन फिर से स्टार्ट हो चुका है तो इस वजह से हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें। भाई चाय बनकर हो चुका है अपना तैयार, तो चलिए ट्राई करते हैं कैसा है। तो
पानी का क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा लेते हैं चाय पीने में मज़ा नहीं आएगा, हल्का फीका हो जाएगा। कोशिश कीजिए जब भी आप ट्रेन में चाय पीजिए पैकेट वाली चाय, तो कोशिश कीजिए कि पानी जो है ना कप में आधा रखिए, मतलब हाफ कप होना चाहिए पानी, तब मज़ा आएगा चाय पीने में। वैसे बाहर का नज़ारा आप देखिए, बाहर तो अभी फिलहाल फॉग है, कुछ देर बाद सनराइज़ होगा तब मज़ा आएगा इधर से। वैसे अपना जो सीट है उसका बेनिफिट हम लोग उठा रहे हैं, 90 डिग्री अभी फिलहाल हम लोगों ने रोटेट कर लिया है, चाय पी रहे हैं और बाहर का नज़ारा ले रहे हैं। बिगेस्ट स्टार इज मनु भाई एंड हिमांशु भाई। अरे ऐसी बात है, कब क्या और क्या। तो भाई लगभग 145 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट, बोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है BHP और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के फेयर के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी CC कोच में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1565 रुपी। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी करते हैं जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसी कोच में, तो उसका फेयर आपको लगेगा लगभग 2825 रुपीज। और इसी फेयर में आपको फूड वगैरह जो है ना इसी फेयर में इंक्लूड रहता है, मतलब जो भी हम खाएंगे आपको दिखाएंगे वो सारा चीज इसी फेयर में इंक्लूड रहता है। भाई 7 घंटे 30 मिनट के जर्नी के दौरान अगर आप बोर होने लगे तो आपकी इंटरटेनमेंट के लिए भी सुविधा दी गई है इस ट्रेन में। क्या है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेन में अपने आप को इंटरटेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना होगा और वाईफाई देखिए यहाँ पे वंदे भारत इंफोटेनमेंट करके एक वाईफाई आ रहा है, इस पर आपको कनेक्ट करना होगा। ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया कनेक्ट, और जैसे ही कनेक्ट होता है तो उसके बाद देखिए सामने में यहाँ पर लिखा हुआ था इंफोटेनमेंट, और यहाँ पर देखिए इंडियन सॉन्ग वगैरह आप ईजिली सुन सकते हैं, और साथ ही किड मूवीज़ देख सकते हैं, किड शो देख सकते हैं। और यहाँ पे मेन्यू में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए मूवीज़ हो गया, टेलीविज़न हो गया, हिंदी मूवी, तेलुगू मूवी, इंग्लिश मूवी, तमिल मूवी, ये सारा मूवी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मूवी तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना रनिंग ट्रेन स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए नेक्स्ट स्टेशन दिखाया बताया जा रहा है मालदा टाउन, स्पीड अभी बताया जा रहा है, नेक्स्ट स्टॉप बताया जा रहा है, 109 किलोमीटर के बाद अपनी ट्रेन अभी रुकने वाली है, तो हर चीज़ आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो अभी साथ में पीयूष भाई है, चैनल का नाम पीयूष चौरासिया, ठीक है, अपने दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी समझ लीजिए। वैसे इनॉग्रल जर्नी भी आप किए थे और अभी कमर्शियल भी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट अभी कर लिया आप कमर्शियल में, तो खाना आपको कैसा लगा ये बताइए। सीसी कोच में जर्नी कर रहे हैं ना, पूरा खराब था, खाना सही नहीं था। इनका कहना है जो भी सारा सामान है खाना का उसी 14 में उठाया है, वहाँ से लेकर आ रहे हैं। खाना पूरा ठंडा था, ऑमलेट में फ्रेंच फ्राइज नहीं था, बॉयल वेजिटेबल नहीं था। कंप्लेन करने पे अलग से वो मुझे फॉइल में ला के दिए फ्रेंच फ्राइज, ये सब जो डिमांड कर रहा है उनको फीस कटलेट मिल रहा है। अच्छा, अलग से अलग पर मुझे ब्रेड के साथ जैम मिला, बटर मिला, पेपर नहीं था, सॉल्ट नहीं था, बस वो आपका ऐसी कहना, केचप दूर दूर तक नहीं दिखा, पूरा खराब था। जो इनॉग्रल में मिला था मतलब जो स्टार्टिंग में वो एक नंबर था, उसका कुछ मुकाबला नहीं था, अगर वो चलता तो वर्थ इट था, अभी वैसा कुछ नहीं है। ये तो पीयूष भाई का रिव्यू था, और अभी क्या है कि इसी कोच में अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं आया, देखते हैं आता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 9:10 और अब जाकर ब्रेकफास्ट हम लोग को सर्व किया गया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नॉन वेज में। अगर आप इसी चेयर कार कोच में ट्रैवल करते हैं तो नॉन वेज और वेज में क्या क्या आपको मिलेगा। ये रहा अपना नॉन वेज, जिसमें आपको ये ऑमलेट मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज मिलेगा, साथ ही ब्राउन ब्रेड, ये एक बनाना मिलेगा, और ये चाय है इंस्टेंट प्रीमिक्स टी, साथ ही ये मैंगो ड्रिंक मिलेगा, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे टोमेटो केचप मिल जाएगा, मिक्स्ड फ्रूट जैम मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा नॉन वेज में। और वेज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है,
बस आपको कटलेट मिलेगा। सब्सक्राइब आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। ओके, शांतिनी के तरह से। और वीडियो कैसा लगता है ये बताइए? बढ़िया लगता है। कौन से कोच में ट्रैवल कर रहे हो आप? सी फोर में। ब्रेकफास्ट हुआ आपका? कैसा था ब्रेकफास्ट? सही था, लेकिन सर्विस में थोड़ा लेट हुआ। तो लेट क्या है कि फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन ऐसे में खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया था। अच्छा, चलिए ठीक है, मिलकर काफी अच्छा लगा। इसी तरह प्यार देते रहे, बस हम तो यही चाहते हैं। चलिए अब हम लोग ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। ये थोड़ा ठंडा हो गया भाई, इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, मजा नहीं आया। आप वेजेस ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। कैरोट है, बीन्स है, घी है, ठंडा हो चुका है क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट है ये बोर्ड किया गया था हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी ओके खाने लायक था। अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं ऑमलेट, और ऑमलेट तो भाई गर्म लग रहा है। ये रहा अपना ऑमलेट, ऑमलेट भी सही है, ये भी सही है। और ये रहा अपना कॉर्नफ्लेक्स, इसके टेस्ट के बारे में क्या ही बताएं। इसमें आप शुगर वगैरह दिया जाता है, आप ऐड कर सकते हैं अलग से चीनी, लेकिन हम बिना चीनी का खाएंगे। ठीक है, हिमांशु भाई ने सजेस्ट किया कि भाई वेज कटलेट ट्राई करो, काफ़ी बढ़िया, इसमें पनीर वगैरह का, पनीर का स्टफिंग है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। भाई कटलेट तो सही में अच्छा है हिमांशु भाई, पूरा जो मील है वेज नॉन वेज, मून भाई का जो ऑमलेट है वो भी हमने ट्राई किया, सबसे बेस्ट पूरे मील में सिर्फ कटलेट ही है। वेज कटलेट सही रहा, पूरा, एक पूरा पनीर का स्टफिंग है यार। सही रहा, एक वेज लिया एक नॉन वेज। फर्स्ट टाइम हम देखे हैं ऐसा कटलेट का, इसमें पूरा पनीर ही है। जैसे पनीर पकौड़ा मिल जाता है, लेकिन और कटलेट वेज मिलता है, उसमें वेजीज वगैरह होती है, लेकिन ये एकदम अलग है। नहीं, आज से पहले किसी प्रीमियम ट्रेन में नहीं मिला है सर कटलेट, नहीं खाया कटलेट, काफी बढ़िया बेस्ट है। तो भाई ये रहे अपने मोहित भाई, तो अभी खाए आप, तो ब्रेकफास्ट की कैसा लगा आपको? नॉर्मली जैसा ट्रेन सब में देता है तो वैसा कुछ, वो वंदे भारत वाला स्टैंडर्ड वाला खाना तो नहीं लगा। अच्छा, तो ये अभी आप वेज लिए थे नॉन वेज? हम दोनों लिए थे। ये बताइए कटलेट कैसा लगा आप? कटलेट बढ़िया था, कटलेट अंदर पनीर का स्टफिंग था। हाँ, पूरी मतलब ब्रेकफास्ट में सबसे बेस्ट हमको लगा कटलेट। ऐसा कटलेट हर जगह मिलता है? नहीं मिलता, सही बात है, वही चीज हम भी अभी देखे हैं। वैसे ऑमलेट हमने ट्राई किया, ऑमलेट थोड़ा ज्यादा ही स्पाइसी, मिर्च ज्यादा यूज किया गया है जो भी है, और फ्रेंच फ्राइज थोड़ा ठंडा हो गया। आप ट्राई किए थे? ठंडा हो गया, तो उसमें उतना मजा नहीं आ रहा, मजा भी नहीं आ रहा। फिर भी ओवरऑल ओके पहला दिन है। जैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जैसा होता है नॉर्मली ट्रेन सब में, वैसा ही है। लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MLDT। और यहां पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है बिफोर 15 मिनट। जी हाँ, वैसे मालदा टाउन में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:32 पर ट्रेन यहां पहुंचती है और सिर्फ 3 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन हम लोग यहां पहुंचे हैं 15 मिनट बिफोर। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मालदा को हम लोग वेस्ट बंगाल का इंग्लिश बाजार भी कहते हैं, साथ ही मैंगो सिटी के भी नाम से मालदा को जाना जाता है। और हाँ, एक बात और, अभी जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया वो मतलब ओके था, मतलब सही था, थोड़ा बहुत ठंडा था, पहला दिन था, इस वजह से थोड़ा सा सर्विस में ये हो गया, लेकिन ओके था, अब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक बात और, ये जो ट्रेन है ना टोटल 565 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3 हॉल्ट के साथ 7:30 में, और मालदा टाउन जो है इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है। बाय। Thank you.
भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के वॉशरूम में। ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम है, तो वॉशरूम में आते ही देखिए सबसे पहले आपको सामने में एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा, साथ ही ये रहा टॉवल होल्डर, इसमें लिक्विड सोप वगैरह रखा हुआ है, और ये रहा सिंक, पानी वगैरह आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे ये हैंड ड्रायर है, आप हाथ ड्राई कर सकते हैं हैंड ड्रायर। और ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ना, ये एग्जॉस्ट फैन का आवाज है, आवाज आपको आ रहा होगा। साथ ही इसमें फायर इंस्टीट्यूशन भी रखा गया है। इस ट्रेन का पहला कमर्शियल रन है, तो वॉशरूम का कंडीशन तो भाई अभी तक सही है, कोई दिक्कत वैसा नहीं हुआ है। तो भाई लगभग 420 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट बारसोई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BOE, और यहां पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और बारसोई जंक्शन जो है ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब अब हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। वैसे बारसोई में इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह 11:50, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। और बारसोई जंक्शन के बाद हम लोग को सर्व किया जाएगा लंच, मुझे लगा ब्रेकफास्ट मिलेगा उसके बाद हो गया, लेकिन नहीं भाई लंच भी मिलने वाला है, तो तैयार रहिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में लंच में क्या क्या मिलता है। आ जाइए, अरे चलिए झंडी कौन दिखाएगा, चलिए थैंक यू सो मच, एक बार ग्रीन फ्लैग दिखा दीजिए, झंडा दिखा दीजिए। तो भाई अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:05, और अभी हम लोग को टोमेटो सूप दिया गया, मतलब सही पैसेंजर को सूप सर्व किया जा रहा है। वैसे सूप जो है ना वो बरसोई जंक्शन से पहले देना था, लेकिन आज हर चीज़ मतलब डिले हो रहा है, क्योंकि पहला दिन है, ब्रेकफास्ट 8 बजे के लगभग सर्व हो जाना चाहिए था, लेकिन सर्व हुआ कब, 9 बजे के बाद, और अभी जो है बरसोई के बाद लंच देना था, लेकिन पहले अभी दिया गया है सूप, उसके कुछ देर बाद दिया जाएगा हम लोग को लंच। तो चलिए पहले सूप बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई अपना सूप बन के तैयार हो चुका है, और इस पर हमने डाला है अभी बटर, तो आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कलर फीका, लेकिन भाई असली मज़ा जो है ना सूप में बटर डाल के पीने में है। और ये कुछ लोग जो है ना ये ब्रेड स्टिक को बटर में लगा के सूप में डुबो के वो खाते हैं, लेकिन मेरा तरीका अलग है। तो भाई हमने मंगाया था नॉनवेज थाली, इसमें आपको ये देखिए राइस देखने को मिलेगा, ये जीरा राइस है, साथ ही ये चिकन है, चिकन का 3 पीस दिया गया, चिकन कढ़ाई, और ये है दाल, और दाल तो भाई देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये देखिए ये लग रहा है दाल सही है। साथ ही ये जो ना फिश का है, फिश पकौड़ा बोल दीजिए या जो भी बोल दीजिए, फिश फिंगर बोल दीजिए, ये दिया गया फिश का है ये आइटम। साथ ही ये देखिए रसगुल्ला, बंगाल की ट्रेन है तो भाई बंगाल का स्पेशल तो कुछ होगा ना, रसगुल्ला और मछली ये फिश, ठीक है। साथ ही ये 2 पराठा दिया गया है, और ये मिष्टी दही ये दिया गया है, और ये अचार हो गया, सैनिटाइज़र हो गया। तो ये चीज़ आपको लंच में मिलेगा अगर आप नॉन वेज सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप वेज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ पनीर की सब्ज़ी दी जाएगी, और साथ ही ये कटलेट दिया जाएगा। अभी हमने पता किया ये फिश पकौड़ा नहीं, ये फिश फिंगर है, ये रहा फिश फिंगर, देखने में सही लग रहा है भाई। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है, ये जो है ना राइस बिल्कुल ठंडा है भाई, बिल्कुल ठंडा है राइस। तो भाई चलिए सबसे पहले अभी हम लोग ट्राई करेंगे चिकन, चिकन कैसा है। चिकन काफी सॉफ्ट है, सही है, जैसा उम्मीद किए थे उस हिसाब से है। अब हम लोग ट्राई करते हैं दाल, वैसे दाल देखने में अच्छा लग रहा है।
और ये जो चीज है ना फिश फिंगर, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ये भी सही है, फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन है ये सही। और आप वेज थाली लीजिएगा तो उसमें आपको फिश फिंगर नहीं मिलेगा, वेज कटलेट मिलेगा लंच। बढ़िया है भाई, बंगाल में ट्रैवल करते हैं तो मछली, बंगाल के ट्रेन में, प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करें, मछली ना मिले ऐसा हो सकता है। देखिए, और ये तो भाई अपना फेमस है बंगाल का रसगुल्ला, दो रसगुल्ला दिया गया इसमें। इसको ट्राई करते हैं, कैसे करें, कैसे करें। वैसे खांसी भी हो रखा है, क्या फेमस है फेमस। घूमने जाते ही भूल गया, कहते ना हवा मीठा है, वही बढ़िया खुश हो गया, मजा आ गया। चलिए फटाफट खाते हैं, वैसे राइस ठंडा है, फटाफट खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे বলে না যখন বন্ধু বান্ধব সেম মাইন্ডেড সবাই একসাথে দারুণ সেলিব্রেট হচ্ছে এখানে। হ্যালো পুরা সালো, হ্যাপি নিউ ইয়ার। আর ইয়ে মেরা কটিং কা বেচারা বল লি ভাই, মোহিত ভাই কে পাস। आज पीयूष भाई हमारे कैमरामैन, मतलब पीयूष भाई को कैमरामैन मत बनाओ यार उसको, कैमरामैन मतलब अभी तक जो कैमरा होल्ड कर रहे थे चालू है ना, तो पीयूष भाई करे थे कैमरा होल्ड। हैप्पी न्यू ईयर भाई, दो साल पहले इसे मिला था भाईजान में समंदर के पास। अच्छा, दो साल बाद आज वंदे भारत में, समंदर के पास अभी पहाड़, समंदर से, समंदर से पहाड़ का सफर, पहाड़ का सफर। दुनिया मांगने वाला हाँ, वो साल वो तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है लगभग 5 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। अगर मैं अपनी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस एवरेज था, खाना भी एवरेज था, कहीं कहीं कोच में शिकायत था खाने को लेकर कि भाई दाल ठंडा दे दिया गया और साथ ही दाल में नमक नहीं था, तो क्या है कि अलग से नमक वगैरह दिया जा सकता दिया जाता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारा कंप्लेन था सर्विस को लेकर कि लेट सर्विस है, खाना का टाइम होता है 8 बजे ब्रेकफास्ट का लेकिन दिया जा रहा है 10 बजे, तो क्या है कि पहला दिन है ना, तो पहला दिन तो भाई थोड़ा बहुत गलती होता है, इग्नोर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन अगले दिन से या 2 दिन बाद 10 दिन बाद जब चलेगी तो प्रॉपर सर्विस इस ट्रेन में सभी पैसेंजरों को मिलेगी। वाशरूम का कंडीशन भाई पहला दिन है, कंडीशन तो साफ होगा ही, सही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बहुत लोगों से मुलाकात हुई अभी तक की जर्नी में, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 100 से भी अधिक लोगों से मुलाकात की, जिसमें बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर थे और भी बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर थे, मिलकर साथ सभी से काफ़ी अच्छा लगा। किसी को अगर हमने वीडियो में नहीं ले पाया भाई माफ़ी चाहते हैं, क्या कि सभी लोगों को हम ले नहीं पाए तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हाँ, नया साल है तो सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना और आपके पूरे परिवार को, और हाँ अगर कुछ भी गलती हुआ हो पिछले साल हमसे तो माफ़ी चाहते हैं, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और जितना प्यार आपने पिछला साल दिया है उम्मीद करते हैं इस साल उससे डबल प्यार आप मुझे दें। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू ऑल। वैसे भाई पूरी जर्नी के दौरान लगभग 100 से भी अधिक लोगों से मुलाकात हुई, सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब तक का मेरा सबसे बेस्ट जर्नी रहा, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर से मुलाकात हुई। अभी फिलहाल यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर वगैरह है, सबसे मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम और आपका नाम, चैनल का नाम? चैनल
अच्छा अच्छा, आपका नाम? आदित्य कुमार। चैनल का नाम भी बोलिए। आदित्य प्रसाद। ओके, आपका? अनिर्बन विश्वास, चैनल का नाम है एबी ब्लॉग्स। आपका नाम? आदित्य प्रताप रॉय, चैनल का नाम है रेल वेब इंडिया। आपका? अभिषेक भगत, चैनल का नाम है एबी लाइफ मेनिया। आपका? नाम है राज, चैनल का नाम है देखो मेरा देश। और आप लोग का भाई? अनुराग चौधरी मेरा। आपका नाम? आपका? मेरा नाम संजीव है और चैनल का नाम है देश दुनिया देख। ओहो, सही है सही है। चलिए सबसे मिलकर काफी अच्छा। अपना बताए, चैनल का नाम बताइए। एमडी जावेद, चैनल का नाम है जैज ब्लॉगर अतिरिक्त 786। हाँ, तो सभी भाई लोगों का चैनल का नाम आपने सुन लिया। सबका लिंक देना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार जाके सभी के चैनल पे विजिट जरूर कीजिए और अपना प्यार जरूर दीजिए। ओके, लव यू ऑल। लव यू, प्यार करते हैं आपसे।